ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई और एक दिन वो आया जब हमारे कारोबार की सेवा की मीटिंग होती थी, प्लानिंग मीटिंग, उसमें सिर्फ दादियां बैठती थी, कोई बहनें और नहीं बैठती थी, दादियों से घर संपन्न था, तो वही प्लानिंग करती थी। लेकिन मेरे को छुट्टी मिल गई थी, मैं बहुत पदम भाग्यशाली, क्योंकि गंगे दादी जी कहते थे कि कारोबार तो ये कर रही है, इसका सुनना बहुत जरूरी है। तो बड़ी दीदी ने कहा, और लोग छोटी बहनें कहेंगी मुझे भी रखो, गुलजार दादी ने समर्थन किया कि हर एक की बराबरी नहीं हो सकती है। तो जैसे उनके कहने से एक मजबूती आ गई कि जो मैं हर वर्ष मीटिंग में बैठने का मिला। जब बना तो पहले तो ज्ञान सरोवर एक जंगल था और शेर चीते सब रहते थे, लेकिन जब वो हुआ, लंबी कहानी, हम सभी ज्ञान सरोवर में रहते थे, दादियां रहती थी, और आंगन में सभी दादियां भोजन के बाद बैठती थी, तो जो आपस में रूह रिहान होती थी, लेकिन मेरी नजर फिर भी गुलजार दादी पे रहती थी, क्यों, नेचुरल आकर्षण था। तो ऐसे चलते चलते हम उनके साथ मिलते रहे, संग में भोजन भी करते रहे। और अभी तो लास्ट 2 साल पहले दादी कॉटेज में मैं और दादी गुलजार साथ साथ बैठ के भोजन किया, तो अंत तक जैसे हमारा बहुत बहुत वो था, और दादी भी आगे बढ़ाती थी, और दादी का तो बहुत कुछ हमारी राधा दीदी ने सुनाया। लेकिन एक बात और इसमें ऐड है, जब आबू से दादी चली तो जर्नल डिब्बे होते थे, जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है कि कोई बहुत एक्सप्रेस गाड़ी भी नहीं होती थी, साधारण ट्रेन चलती थी, और जो फर्स्ट का डिब्बा होता था उसमें एक डंडा खींचा होता था, बस फर्स्ट क्लास नहीं लिखा होता था, डंडा खींचा होता था लंबा लंबा, और जो सेकंड क्लास होता था उसमें 2 लकीर डंडे की खींची होती, नहीं फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, समझो ये थर्ड क्लास है, उसमें रिजर्वेशन नहीं हुआ करती थी। थर्ड क्लास वाले में कुली को चवन्नी दे दो, अंगोछा बिछा दे, वही रिजर्वेशन है, वो आगे घुस करके बिछा देता था, जो भी जाके बैठ जाते थे। तो हम लोग कहते थे कि हमारी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे कई अवस्था होती है, पहले इंतजार होता है, फिर जब ट्रेन आती तो बेकरारी होती है, और जब हम चढ़ जाते हैं तो जमींदारी होती है, फिर फौजदारी होती है, ये मेरी जगह है, तुम नहीं बैठ सकते। तो ऐसी हालात में गुलजार दादी आबू रोड से जनरल डिब्बे में बैठे, और साहब वो बीड़ी सिगरेट पीने वाले, अब शुद्ध पवित्र दादियां वो से बर्दाश्त करेंगी। सीधा उतर के जा करके स्टेशन मास्टर को कहा, अजमेर में आप, उस तो गाड़ी चल पड़ी, कहा मैं नहीं बैठ सकती। उन्होंने कहा, देवी जी मैं क्या कर सकता हूँ, काफी बात की सार है, आखिर उन्होंने सफर कर लो, ये दादियों की तपस्या का एक प्रभाव था। आज तो टीटी कहेंगे रिजर्वेशन नहीं तो उतर जाओ, बिना रिजर्वेशन चढ़ना ही नहीं है। तो ये गुलजार दादी की तपस्या का बल था।